नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इसके बारे में जो रिफॉर्म्स है। तो पहले तो मैं आपको जजमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर हम एक ओवरऑल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब किसकी रिफॉर्म, क्या कौन कौन से रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ब्रॉड आएगा, जजमेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर ना भी आए लेकिन ब्रॉड आएगा कि इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म मतलब क्या क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो जजमेंट की बात करते हैं। तो जजमेंट जो 5 बेंच जज बेंच ने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा है कि जो अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, दैट शुड बी बाय अ कमेटी। एक कमेटी होनी चाहिए जिसको जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उनकी जगह पे लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, उसके जो लीडर होंगे वो होंगे। तो इन तीनों लोगों की एक कमेटी बने, वो एडवाइज करे प्रेजिडेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अभी क्या प्रोसेस होता है कि जो एक पूल होता है ना लोगों का, उसमें वो लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं एक पूल ऑफ पर्सन्स, ठीक, कैंडिडेट्स, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। और उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो डायरेक्टली पूरा मतलब एग्जीक्यूटिव तरीके से होता है ये, ठीक है। द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन। टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये बेसिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखो जो अपॉइंटमेंट की बात किसमें की, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 के अंदर। अब देखो कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया। कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तब तक प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट का एक लॉ होना चाहिए। इवन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका भी व्यू यही था कि इंडिपेंडेंट हो इलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाए आने वाले टाइम में। लेकिन इतना टाइम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए तो पार्लियामेंट ने अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया, इसीलिए कोर्ट ने कहा वी नीड टू इंटरवीन, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। यही बता रखा है कि ऑर्डिनरी कोर्ट कैन नॉट एनक्रोच अपॉन प्योरली लेजिस्लेटिव पावर्स, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना ये लेजिस्लेटिव का पार्ट है ना, जुडिशरी का नहीं है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देखो वर्ड कितने अच्छे हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनर्शिया ऑफ लेजिस्लेचर, की एक इनर्शिया था जो रोक रखा था लेजिस्लेचर खुद नहीं कर रहे थे वो काम, है ना। द वैक्यूम क्रिएटेड बाई इट मेक इट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। वन क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेद, अब एक और है, आगे आगे करेंगे डिस्कस, कि जो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका रिमूवल का प्रोसेस अलग होता है ना। तो ये इसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिमूवल का प्रोसेस है दैट शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट ही होना चाहिए। ऑन द क्वेश्चन वेदर द रिमूवल प्रोसेस शुड बी द सेम फॉर सीईसी, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इट कैन नॉट बी द सेम। अब देखो गवर्नमेंट के क्या आर्ग्यूमेंट है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई लॉ नहीं बनाया ना हमने पार्लियामेंट में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी है दैट इज प्रेसिडेंट, और वो ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो इट्स फेयर। द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट इन द एब्सेंस ऑफ सच अ लॉ बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जिट जुडिशियल रेस्ट्रेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द पावर टू मेक, क्योंकि जो भी देखो मैंने आपको पहले बताया था अपॉइंटमेंट की बात ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो किसके हाथ में, पार्लियामेंट के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या करती है, ये जुडिशियल ओवररीच को शो कर रही है और सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ब्रीच कर रही है। लेकिन हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये कहा है कि ठीक है दिस रूलिंग विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो दिस रूलिंग कैन बी अनडू। तो ये भी एक फेयर आर्ग्यूमेंट है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस बेस्ट तो क्या, मतलब ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, कि यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कैनेडा, यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ मैकेनिज्म फॉर द आउटसाइड कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। तो ये भी एक ग्लोबल प्रैक्टिस आप अपने आंसर में शो कर सकते हो। अब फाइनली इसमें अगर देखें तो ये हो सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब डायरेक्टली जजमेंट ना देने की बजाय गवर्नमेंट को कहते कि आप एक कमेटी बनाओ आने वाले 5 महीने में, 6 महीने में, एक गाइडलाइन देनी थी गवर्नमेंट को, रादर देन डायरेक्टली एनक्रोचिंग अपॉन द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब मैं रिमूवल की बात ये आपको इसलिए बता रहा हूँ एक क्योंकि देखो आपको कोई भी टॉपिक है ना वो होलिस्टिक पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि प्री के लिए पढ़ लिया, मेंस के लिए सिलेबस में पढ़ लिया, सेपरेट करके नहीं। अब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेंस में क्या आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। हालांकि करंट में इलेक्शन कमिश्नर न्यूज में थे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है, पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है कि क्या उसकी पावर्स थी, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या टर्म्स एंड सर्विस की टर्म्स है, सर्विस ही है, कंडीशन है सर्विस की, ठीक है, कैसे रिमूव किया जाता है। अब देखो, रिमूवल पे दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, और द सीईसी कैन बी रिमूव कैसे सुप्री फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सिमिलर तरीके से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है बाय द पार्लियामेंट। एंड एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें जो एससी ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट है, ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको नहीं हटाया जा सकता विदाउट एनी रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके रिमूवल का प्रोसेस भी क्या है, डिफरेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनका डिफरेंट ही रहना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बताया था ना, ऑन द क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल शुड बी द सेम सो फॉर द सीईसी एंड ईसी, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इट कैन नॉट बी द सेम। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स हैव द इक्वल पावर, दे रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेस एंड अदर प्रीक्विजिट्स व्हिच आर सिमिलर टू दोज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग्स द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो द मैटर इज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। तो जो मेजोरिटी डिसाइड करेगा वो, ये नहीं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ने दो ने कह दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ और कहा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मानी जाएगी, जो मेजोरिटी कह रहा है उसकी बात मानी जाएगी। दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। अब देखो पावर जरूरी है, आप पढ़ लेना बेसिक, मैंने आपको है ना दे दिया है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी जो भी आपके बेसिक नोट्स है उससे पढ़ लेना। मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ, मेन आपको जो याद रखना है कि इसकी तीन टाइप्स की पावर होती है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करवाना, इलेक्टोरल रोल्स को बनाना, ये सब चीजें है ना। और दूसरा होगा एडवाइजरी, रिमूवल पे अपॉइंटमेंट पे एडवाइजरी जो होता है, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होते हैं, और दूसरा होता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन होते हैं रिमूवल का, ठीक है। तो देखो अगर बात करें एडवाइजरी की, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन हैज द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी एडवाइज करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे। इवन क्वासी जुडिशियल पावर भी है, द कमीशन इन्वेस्टेड विद द क्वासी जुडिशियल पावर्स टू सेटल द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। द कमीशन हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट, डिस्क्वालीफाई कर सकता है हु हैज फेल्ड टू लॉज ऑन एन अकाउंट ऑफ इट्स इलेक्शन एक्सपेंसिस विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। तो तीन पावर आपको याद रखनी है, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एडवाइजरी। रिमूवल देख लिया, अपॉइंटमेंट देख लिया, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको क्या रिफॉर्म की जरूरत है। ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है, हमारा जो डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है यूपीएससी के लिए, उससे मैंने क्वेश्चन उठाए, तो आप देखोगे कैसे हम आपको एक रेलिवेंट क्वेश्चन देते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं बिल्कुल, और उनके मॉडल आंसर भी बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो सीधा आपको एग्जाम में एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, है ना। जो ये जनरल पॉइंट्स के तो देखो लिखना ही है, उसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेशल सेक्शंस बताऊंगा, सब हेडिंग्स मिलेंगी आपको। तो ये मॉडल आंसर ही बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, देखना आप। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, या फिर इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, कोई इशू है तो। आओ क्वेश्चन देखते हैं। टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, ये बेसिक हो गया कि स्ट्रेंथन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसके लिए क्या कर, सजेस्ट मेजर टू मेक इट मोर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। तो पहले तो आप ये बताओगे भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, किस लिए, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट बॉडी है, किस लिए, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कीवर्ड है। और आर्टिकल 324 ये अगला कीवर्ड है। देखो तो आंसर में स्टार्टिंग में आपने कीवर्ड दे दिए, तो आर्टिकल 324 के अंदर ये पावर दे रखी है किसके लिए, आपके इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस, इन सबके पावर किसके अंदर वेस्टेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके इलेक्शन करवाएगा। देर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन, क्यों स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इनको, क्योंकि कुछ इश्यूज होंगे इसके अंदर, तो पहले इशू बता दो क्या क्या इशूज हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट का इशू है, जैसे हमने देखा अभी कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं और प्रेसिडेंट कर देते हैं अपॉइंट, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब एक बॉडी नहीं है एडवाइज करने के लिए जो एक वाइड कंसल्टेशन को शो करे, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट भी अपॉइंटमेंट हो जाते हैं इनके, तो कहीं ना कहीं एक बाइसनेस के वो आती बात, ठीक है। और मतलब इंडिपेंडेंस हैम्पर करती है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स होने के कारण ना।
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि इनके जो एक्सपेंडिचर है दे आर नॉट चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पीडीएफ मैं आपको अपने यूपीएससी अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ये बस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में आप पढ़ सकते हो। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पावर्स, ठीक है, पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर पर लीगली उनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये आप पढ़ सकते हो। डिफरेंट आरपीए के सेक्शन भी दे रखे हैं इसके अंदर मैंने आपको। अब ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब भी आप अपने क्वेश्चन को लिखो ना, पॉइंट्स को लिखो, तो नॉर्मली बच्चे पॉइंट्स लिख देते हैं, पर उसको इलस्ट्रेट करो, सब्सटेंशिएट करो एग्जाम्पल के साथ, तो वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, द ईसीआई, ये पॉइंट देखो, द ईसीआई इज वेस्टेड विद द एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 324, बट स्टिल हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट कैन नॉट ट्रांसग्रेस द सेम। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि डिस्पाइट बीइंग द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए 1951, ये एग्जाम्पल आ गया ना कि यहाँ पे कि डी रजिस्टर तो कर सकती है, इट हैज नो पावर टू डी रजिस्टर देम इवन फॉर द ग्रेवेस्ट ऑफ द वायलेशन। तो एक एक्ट का नाम भी आ गया और एग्जाम्पल भी आपने दे दिया। इस तरीके से आपको सब्सटेंशिएट करना चाहिए अपने आंसर को। इन एडुकेट कैपेसिटी है ऑफिस, मतलब ऑफिस खुद का नहीं है, ठीक है ना, टर्म सॉरी, द ईसीआई हैज बीन फाउंडेड डिपेंडेंट ऑन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑफिस, फाइनेंसिस, लीगल एक्सपर्टीज, सिक्योरिटी पर्सन अदर्स, तो एक कैपेसिटी भी इनएडुकेट है, अनेबल टू कर माल प्रैक्टिस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ढंग से नहीं कर सकते हो इम्प्लीमेंट, ठीक है, सिंस ईसीआई डज नॉट हैव नेसेसरी पावर, इट कैन नॉट एबल टू कंट्रोल द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और यूज ऑफ मनी पावर मसल पावर, ठीक है, और अपहोल्डिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। अभी एलिगेशन भी लगाए कि ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है, ठीक है ना, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, ये सब चीजें। देखो 8 पॉइंट आपको मिल गए मॉडल आंसर के अंदर, क्या इश्यूज है, तो ये ब्रॉडर आपको पढ़ना है। फिर आप बताओगे कैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी की बात की है, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आप बताओगे क्या रिफॉर्म कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज द कन्वेंशन वेयर द सीनियर मोस्ट ईसी शुड बी द ऑटोमेटिकली एलिवेटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर है ई और शी शुड बी ऑटोमेटिक एलिवेटेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिड्यूसिंग द ईसीआई डिपेंडेंस ऑन डीओपीटी, अलग अलग है ना, लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, द उनका के एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट हो, ठीक है, जिसके लिए फॉर इट इटसेल्फ एंड फ्रेम इट्स ओन रिक्रूटमेंट रूल्स एंड शॉर्टलिस्ट एंड अपॉइंट्स द ऑफिसर ऑन इट्स ओन, तो अपना स्टाफ खुद अपॉइंट कर सके, एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हो, ऑल प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी हैव लीगल बैकिंग, ईसीआई शुड बी गिवन मोर पावर विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पोस्ट इलेक्शन एंड इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन टू। अब फिर देखो मैंने एग्जाम्पल सेक्शन दिया, ईसीआई इज ऑल्सो भी डिमांडिंग अ न्यू सेक्शन 58B इन द आरपीए 1951 टू डील विद द मनी मिनेंस सिमिलर टू द सेक्शन 58A विच इज रिलेटेड टू द बूथ कैप्चरिंग। अब बूथ कैप्चरिंग का तो दे रखा है, तो मनी मिनेंस को कंट्रोल करने के 58B मांग रहे हैं, तो इतना स्पेसिफिक अगर आप पॉइंट लिखोगे तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनर वो सोचेगा यार बच्चे को नॉलेज एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको हमारे मॉडल आंसर अंदर मिलेंगी। द इलेक्शन कमीशन नीड्स टू बी गिवन द पावर ऑफ डी रजिस्टरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ये आपने मेजर बता दिए जो कि आपके क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर, लास्ट में ब्रीफ से कंक्लूड करके आप इसका आंसर को खत्म कर सकते हो। टू कीप इट एफिशियंट एंड इफेक्टिव इन इट्स फंक्शनिंग इट शुड बी रिफॉर्म्ड एंड स्ट्रेंथन सो दैट इट हैज द ग्रेटर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एम यही था डेमोक्रेसी को प्रमोट करने, उसलिए एक होलिस्टिक आपने कंक्लूजन दे दिया। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी इशू आए उसको आप ब्रॉडली पढ़ो कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या, ये नहीं बस करंट में आ गया, करंट में तो आ गया इशू, उसको तो पढ़ना ही है न्यूज में, साथ साथ उसके रिलेशन करो प्री से, तो स्टैटिक रिवाइज हो जाएगा प्लस उसका आंसर लिख लो। अब ये काम आप खुद भी कर सकते हो या हमारे साथ भी कर सकते हो, हम अपना जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो चला रहे हैं अपना यूपीएससी खड़ा ऐप पे, या फिर आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।